और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी, बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाढ़ और बारिश का कहर लगातार राजस्थान में देखने को मिल रहा है और उसी से जुड़ी बड़ी जानकारी है। कोटा में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देवली गांव के 250 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है और बीते 24 घंटे में 202.5 mm बारिश यहां पर दर्ज की गई है। 12 रोड की कॉलोनियों में पानी भर गया है। राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। राजेंद्र, 12 के लिए भी आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कोटा में भी आज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट है, क्या जानकारी फिलहाल? बिल्कुल, आज मौसम विभाग ने आज कोटा को ऑरेंज जोन में रखा है और ऑरेंज जोन में रेड अलर्ट किया है। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आयुष लगातार 6 दिन से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण जनजीवन भी काफी प्रभावित हो रहा है। अगर बारिश का अनुमान करें तो 24 घंटे में 202.5 मीटर एमएम बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज की गई है। साथ में एक दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां अभी भी जलमग्न है। एसडीआरएफ और आरडीएफ की जमीन जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर बारिश में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए कार्य कर रही है। अगर कोटा कलेक्टर की बात करें और कोटा संभागीय आयुक्त की बात करें तो आज उन्होंने फिर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़े, क्योंकि यहाँ पर लगातार बाढ़ के हालात बन रहे हैं और जो चंबल से बैराज से जो पानी की निकासी हो रही है उससे निचले इलाके में डूब क्षेत्र में काफी घर यहाँ पर प्रभावित हो गए हैं। कोटा उत्तर का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात हैं। साथ में लाडपुरा में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। साथ में पिपलदा विधानसभा की बात करें तो पिपलदा विधानसभा में खातोली इटावा पूरी तरह जलमग्न है। यहाँ पर जो जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ है उन्होंने सेना की मदद भी मांगी है। मगर आज जिस तरह से आयुष सुबह का जो दिन निकला वहां से कहीं ना कहीं कुछ खबरी भी लोगों को मिली और रात की खबर भी मिली। आज 6 दिन बाद में सूर्य देव ने कोटा में दर्शन दिए और अब वापस मौसम बारिश का बन चुका है। आयुष देखने की बात ये होगी कि जो जिला प्रशासन के जो इंतजाम है वो किस तरह से है और लोगों को इस अतिवृष्टि से किस तरह से बचाते हैं। और साथ में ही जो फसल सोयाबीन की जो फसल है उसमें 80% से ज्यादा खराबा हुआ है तो जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने इनकी गिरदावरी करवाने के भी आदेश दे दिए हैं। जी आयुष, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।